Okay, let's begin. So last time we had a look about the introduction of DC generators and specifically how separately excited DC generators work. Then we had a look at the example depicting that a separately excited DC generator. The topic for today is the shunt DC generators. Okay, so what's the difference between a separately excited DC generator and a shunt DC generator? Pretty similar to what we studied in motors. होता क्या है कि हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोटर के अंदर हमारे पास एक मशीन थी, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है और इसमें हमने जो फील्ड वाइंडिंग थी वो हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के केस में हमने एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया था जिससे हम इसको पावर कर रहे थे. अब हमने क्या किया है, अब हमने वही जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है आर्मेचर के टर्मिनल्स के साथ पैरेलल के अंदर. तो अब होगा क्या, बेसिकली अगर हम देखें तो मोटर के अंदर ये होता था कि इस केस के अंदर हमारे पास जो टर्मिनल्स थे वहाँ से हम करंट सप्लाई किया करते थे, तो वो कुछ करंट फील्ड वाइंडिंग में चला जाता था, बाकी आर्मेचर वाइंडिंग में चला जाता था. लेकिन अब ये हो रहा है कि अब जो करंट प्रोवाइड करने वाला सोर्स है बेसिकली वो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है. जनरेटर है तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आर्मेचर से ले रहे हैं और आर्मेचर ही करंट जो है वो हमें दे रहा है. तो आर्मेचर ने ही अब पावर करना है हमारी फील्ड वाइंडिंग को भी. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है शंट डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के दरमियान में. वो ये है कि हमारे पास इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो पावर करता है जनरेटर इटसेल्फ. जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसके लिए हमें एक अलग सोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसकी फील्ड वाइंडिंग को पावर करने के लिए. ठीक हो गया. तो इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है, जो डिफरेंस है, वो हमें नज़र आया कि हमारे पास जो आई ए है बेसिकली अब वो डिवाइड हो रहा है आई एल में जो टर्मिनल पे हमें मिलेगा और आई एफ में. और जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो वोल्टेज जो यहाँ पे बिल्डअप होगा वो ये माइनस ई ए माइनस आई ए आर ए के बराबर होगा. वही वी टी पे मिलेगा और वही हमें फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस मिलेगा. तो अगर हम अपनी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वी टी की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, ई ए माइनस आई ए आर ए. ठीक हो गया. और इसी तरह से आई ए जो है बेसिकली वो डिवाइड हो रहा है आई एफ में और आई एल में, तो आई ए मस्ट बी इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एल. तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आया. तो यहाँ पे भी ये वही बात कर रहा है कि दिस टाइप ऑफ जनरेटर हैज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि हमें एक एक्सटर्नल डीसी जनरेटर की, एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, जो हमें लास्ट टाइम ज़रूरत पड़ी थी इन ऑर्डर टू एनर्जाइज आवर फील्ड वाइंडिंग. लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर जनरेटर अपनी फील्ड करंट को खुद ही सप्लाई कर रहा है तो पहला फील्ड फ्लक्स उसको कहाँ से मिलेगा. ऑब्वियसली जब हमने ईएमएफ जनरेट करनी है तो इन ऑर्डर टू गिव सम वैल्यू टू द ईए वी मस्ट हैव के फाई एंड ओमेगा ऑल दीज थिंग्स. अगर हम कोई भी किसी भी एक्सटर्नल फील्ड से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि फाई तो हम नहीं दे रहे. अगर हम फाई नहीं दे रहे तो फाई अगर ज़ीरो होगा तो ई ए भी ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे बात जो मेजर जहन में आती है वो ये आती है कि हाउ डज़ एन इनिशियल वोल्टेज अपेयर एट द टर्मिनल्स ऑफ द मशीन. मशीन के ऊपर इनिशियल वोल्टेज आता कहाँ से है. तो उसका जो जवाब है वो ये है कि हमें पता है कि हमने अपनी फील्ड वाइंडिंग के बारे में जब हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा तो हमने ये देखा था कि फील्ड वाइंडिंग के जो जो बेसिकली अंदर कोर है, जो पोल्स हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं. तो लास्ट टाइम जो भी उसके अंदर करंट पास किया होगा उसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि जब हम उसमें से उस सारा करंट निकाल भी लें स्टिल जो उसकी डोमेन्स हैं वो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज रहती हैं. अगर आपको हिस्टेरेसिस लूप याद हो तो हमने बोला था कि वो जो जगह होती है, वो जो मैग्नेटाइज जो मैग्नेटिक फ्लक्स बच जाता है, जो अलाइनमेंट रह जाती है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं कि वो रेजिडुअल फ्लक्स है. तो बेसिकली होता क्या है, तो रेजिडुअल फ्लक्स ऑब्वियसली उतना नहीं होगा जितना फील्ड वाइंडिंग में से करंट पास करने पर जो फ्लक्स पैदा होता है उसकी अमाउंट बहुत थोड़ी होगी, लेकिन स्टिल उसकी अमाउंट कुछ ना कुछ लाजमी होगी. तो होता क्या है कि जब हम इनिशियली जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, जब उसके अंदर से हम जो रोटेशन देते हैं, इनपुट पावर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल पावर, तो होता क्या है कि द ओनली फ्लक्स वी हैव एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट जनरेटर इज रेजिडुअल फ्लक्स.
उस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जो बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल फील्ड वाइंडिंग, उसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो होगा बहुत थोड़ा, या तो 1 वोल्ट होगा या 2 वोल्ट होगा, लेकिन वो जितना भी हो, जब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा और यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आईए यानी कि आईएल जो है बेसिकली वो जीरो है। वो आईएल जीरो है और कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जब 2 वोल्ट्स भी जनरेट होंगे, वो 2 के 2 वोल्ट्स जो है वो इसके अक्रॉस आ जाएंगे, यानी कि फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस आ जाएंगे। और जैसे ही वो फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस आएंगे, क्योंकि आगे लोड कोई नहीं लगा हुआ, उन 2 वोल्ट्स की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ फील्ड करंट जो है वो पास करना स्टार्ट होगी। जैसे ही वो स्लाइट अमाउंट ऑफ फील्ड करंट फील्ड वाइंडिंग से पास करना स्टार्ट होगी, उसकी वजह से एक फ्लक्स पैदा होगा जो बेसिकली रेजिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। जब वो सपोर्ट करेगा और वो इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो एड अप होगी फायर रेजिड्यूल के अंदर, तो हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली ई इज इक्वल टू के फाई ओमेगा, से फाई बढ़ गया तो ई ए की वैल्यू अब 2 से फर्ज कर लिया 4 पे चली गई, 4 पे जाएगी, तो वो जो करंट 4 का 4 वोल्ट जब इधर आएगा, तो उसकी वजह से जो करंट फील्ड वाइंडिंग में पैदा हो रहा है वो और इंक्रीज होगा, वो और सपोर्ट करेगी, वो 4 से 6 पे चला जाएगा, 6 से 8 पे चला जाएगा, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे फील्ड करंट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये होता रहेगा होता रहेगा, और ये कब तक होता रहेगा? फील्ड करंट इंक्रीज होगा, फील्ड करंट के इंक्रीज होने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने से ईए बढ़ेगा, ईए के बढ़ने से दोबारा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, उसकी वजह से और आईएफ बढ़ेगा, उसकी वजह से और ईए बढ़ेगा। लेकिन ये काम मुसलसल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी फील्ड वाइंडिंग जो है वो सेचुरेशन में चली जाएगी, जो कोर है, जो पोल्स हैं, वो सेचुरेशन में चले जाएंगे। जब सेचुरेशन में जाएंगे तो आईएफ के बढ़ने से अब फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा तो ईए नहीं बढ़ेगा, ईए नहीं बढ़ेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आईएफ का इंक्रीमेंट इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता लग गया कि हमारा जो जनरेटर है वो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स स्टार्ट कैसे होगा, तो ये चीज़ हमारे जहन में बैठ गई कि जो मेन चीज़ है इसको स्टार्ट करने वाली वो रेजिडुअल फ्लक्स है। तो वही बात इसने यहाँ पे की हुई है कि व्हेन द वोल्टेज अपीयर एट टर्मिनल इट कॉजेज अ करंट टू फ्लो इन जनरेटर्स फील्ड कॉइल, वीटी बढ़ा, आईएफ बढ़ गया, दिस फील्ड कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन द पोल्स व्हिच इंक्रीजेस द फ्लक्स इन देम। अब इंक्रीज हो गया, दिस इंक्रीज इन फ्लक्स क्या कॉजेज एन इंक्रीज इन ई ए व्हिच देन कॉजेज एन इंक्रीज इन वी टी, एंड वी टी राइजेज आई एफ, और आई एफ के बढ़ने से द फ्लक्स विल राइज मोर विच विल फर्दर इंक्रीज द ई ए, एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू अंटिल द सेचुरेशन पॉइंट इज अचीव्ड। तो दिस वोल्टेज बिल्डअप बिहेवियर जो है वो कह रहा है हमने यहाँ पे शो किया हुआ। तो अगर आप इधर से देखो तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अगर आपके पास इस साइड पे वोल्टेज हो और इस साइड पे फील्ड करंट हो, तो स्टार्टिंग के अंदर ई ए पैदा हुआ, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको घुमाया तो ई ए पैदा हुआ जो रेजिड्यूअल था, ये जो छोटी सी वैल्यू है अगर इसको हम 2 वोल्ट्स कंसिडर कर लें। जैसे ही ये पैदा हुआ तो हमारा इसके पैदा होने की वजह से ये लाइन हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है, यानी आईएफ हमारा इंक्रीज हुआ, आईएफ इंक्रीज हुआ, तो इस आईएफ के इंक्रीज होने की वजह से अब ईए फर्दर बढ़ गया, ये वर्टिकली हमारे एक लाइन आ गई, ईए फर्दर इंक्रीज हो गया। अब ईए के इंक्रीज होने से फर्दर आईएफ इंक्रीज हुआ, आईएफ के इंक्रीज होने से फर्दर ईए इंक्रीज हुआ, फिर आईएफ इंक्रीज हुआ, फिर ईए इंक्रीज हुआ, फिर आईएफ इंक्रीज हुआ, ईए इंक्रीज हुआ, आईएफ इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आईएफ इतना इंक्रीज हुआ और ईए बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इस जगह पे देखो तो आईएफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन अब क्योंकि सेचुरेशन करीब आ गई है तो ई ए कम इंक्रीज हुआ, फिर आई एफ इंक्रीज हुआ, ई ए बहुत कम इंक्रीज हुआ, और ये वो जगह है जहाँ पे अब सेचुरेशन की लिमिट आ गई है। ये जो अगर आपको ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये नजर आए तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली आर एफ की है। आर एफ का मतलब क्या है कि दिस लाइन बेसिकली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड आई एफ। ठीक है, इस साइड पे टर्मिनल वोल्टेज है और इस साइड पे आईएफ है, तो ये लाइन जो लीनियर लाइन जा रही है बेसिकली ये हमें क्या बता रही है, ये हमें इन दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप बता रही है। तो वी टी ओवर आईएफ ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली, ये रिलेशनशिप हम इसको आरएफ भी कहते हैं ऑब्वियसली। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से बताई गई है कि पहले ये इंक्रीज हुआ फिर आईएफ इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली जब मशीन वर्क कर रही होगी इन कंटिन्यूस रियल टाइम, तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर ये काम नहीं हो रहे होंगे, बल्कि ये बढ़ रहा होगा और फौरन ही कंटिन्यूसली उस ईए की वजह से आईएफ बढ़ रहा होगा और आईएफ की वजह से ईए बढ़ रहा होगा। तो ये जो डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ आए।
ठीक हो गया। तो ये वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज होता रहता है इस जगह तक, इस जगह पे अब आपकी जो आरएफ वाली लाइन है वो ईए वाली लाइन को कट कर रही है, इससे ज़्यादा अब आपका जो वोल्टेज है वो बिल्डअप नहीं होगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज है एट नो लोड कंडीशन, मैक्सिमम वोल्टेज है। और एट नो लोड इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज हमें एट नो लोड कंडीशन ही मिलेगा। जैसे ही हम आईएल ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो उसमें आईएआरएल लॉसेज आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज जो टर्मिनल है वो नीचे गिरेगा, वो हमें ईए के बराबर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो ये वाली लाइन है ये हमारा रिलेशनशिप शो कर रही है ईए का आईएफ के साथ, और जो ये वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है वीटी का आईएफ के साथ। ये दोनों जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वो मैक्सिमम फील्ड करंट वाली जगह होगी और वो मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज वाली जगह होगी। ठीक हो गया, आई होप इस ग्राफ की आपको समझ आ गई हो। अब वो कहता है कि अगर इस तरह से हो कि मैं यही इसी सिचुएशन में इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक जनरेटर कनेक्ट किया हो लेकिन मैं उसको स्टार्ट करूं तो वो जनरेटर स्टार्ट ना हो, मतलब स्टार्ट करने का ये नहीं है वोल्टेज बिल्डअप ना हो, बेशक मैं मैकेनिकल इनपुट दे रहा हूँ लेकिन मुझे टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? इसकी अगर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस कुड बी कि हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है, क्योंकि ओमेगा हम दे रहे हैं, के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो डिपेंड करती है मशीन की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर ई ए की वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब है देर इज़ नो फ्लक्स, तो अगर कोई फ्लक्स नहीं है तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? पहली तो बात ये कि हमने ये देखा कि हमें टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं मिला, इसका मतलब है कि हमारा जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये किस सूरत में हो सकता है? ये सूरत में हो सकता है कि हमने ये भी बात की थी कि वो जो रेजिडुअल फ्लक्स है उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा देर के लिए, जैसे अगर आप परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा देर जब आप यूज़ करते हैं तो उनकी फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो देते हैं उसकी वैल्यू नीचे गिरती जाती है, नीचे गिरती जाती है, वो वीक होते जाते हैं। सिमिलरली अगर एक जनरेटर है वो बहुत अरसे से पड़ा हुआ है और उसको स्टार्ट नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब उसमें से उसकी जो पोल्स की डोमेन्स अलाइन हुई थी इस बात को बहुत अरसा गुजर गया जिसकी वजह से अब उसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं बचा। तो इसकी जो पहली रीज़न हो सकती है कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा वो ये हो सकती है कि देयर मे बी नो रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स इन द जनरेटर टू स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक हो गया, तो अगर रेजिडुअल फ्लक्स जीरो है तो ये जीरो होगा, और अगर ये जीरो होगा तो ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग ही पॉइंट ही नहीं मिला जिससे वोल्टेज बिल्डअप होता। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने फील्ड को आर्मेचर सर्किट से डिस्कनेक्ट करना है, आपने बाहर से एक सोर्स लगाना है, एक दफ़ा फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करना है। जब आप एनर्जाइज करोगे तो उसकी जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाएंगी, जैसे ही वो अलाइन हो जाएंगी तो आप उसको दोबारा से डिस्कनेक्ट कर दो। अब वो ताज़ा अलाइन हुई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स बच जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको इन मैकेनिकल पावर इनपुट के तौर पर दोगे तो उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कि फ्लैशिंग द फील्ड। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर रेजिडुअल फ्लक्स उसके अंदर था लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई जनरेटर को चलाए हुए और स्टिल जब हमने उसको स्टार्ट किया तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? इसके पीछे रीज़न ये हो सकती है कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं वो किसी तरह से अब उल्टे हो गए हैं। उल्टे होने का मकसद क्या है? उल्टे होने का मकसद ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप घुमाओगे जनरेटर की शाफ्ट को तो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से पैदा होने वाला जो ईएमएफ है वो अगर अपोजिट इन पोलैरिटी हो, अगर आईएफ फ्लो जरूर करे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो फिर क्या होगा? वो वोल्टेज बिल्डअप होगा, उसकी वजह से आईएफ फ्लो करेगा फील्ड वाइंडिंग से, और वो आईएफ बजाय इसके कि सपोर्ट करता रेजिडुअल फ्लक्स को वो उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। जब वो उसको अपोज करेगा तो ऑलरेडी उस फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम थी, जब उसमें से आईएफ गुजरा और उसने उसको अपोज किया तो उसकी वैल्यू जीरो पे आ जाएगी। जैसे ही जीरो पे आएगी हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईए की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और उसके बाद वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास फिर से क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम टर्मिनल्स जो हैं उसके वो वापस रिवर्स करें, ठीक है, लेकिन ये तब होगा अगर हमें पता हो कि टर्मिनल्स जो हैं वो उल्टे लगे हुए थे। अगर एक दफ़ा रेजिडुअल फ्लक्स जीरो हो गया तो टर्मिनल रिवर्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हमें एक ही इसका सोल्यूशन है कि हम उस फील्ड वाइंडिंग को दोबारा से उतारें, उसको एक्सटर्नल डीसी सोर्स दें ताकि उसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स आए और उसके बाद उसके कनेक्शन सही तरह से लगा दें। ठीक हो गया, जब वो लगा देंगे तो फिर दोबारा से वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हम उसकी जो फील्ड है उसको ही अपोजिट तरीके से फ्लैश करें और फिर आगे बढ़े।
ताकि IF जो पैदा हो रहा है वो बजाय इसके कि उसको अपोज करे वो उसको सपोर्ट करे और हमारा वोल्टेज बिल्डअप जो है वो स्टार्ट हो। थर्ड एक और भी वजह हो सकती है, थर्ड वजह क्या है इसके अंदर अगर आप देखो तो हमने कहा था कि जो ये स्ट्रेट वाली वैल्यू है, अगर अभी आप R1 R2 R3 वाली लाइंस को भूल जाओ, तो हमने कहा था कि जो R वाली वैल्यू है बेसिकली ये वो रेजिस्टेंस है जो फील्ड की है। हमने कहा था ये बेसिकली रिलेशन है IF के और VT के दरमियान में, जो ये स्ट्रेट लाइन है। तो VT ओवर IF बेसिकली हमारे पास क्या होता है, RF होता है। RF की वैल्यू हमें पता है कि एडजस्टेबल होती है क्योंकि उसके साथ एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। अब हमने कहा था कि वोल्टेज बिल्डअप होगा लेकिन उस वक्त तक बिल्डअप होगा जहां ये इसको कट नहीं करता। जब ये कट कर देगा तो इसका मतलब ये है कि अब इससे ज्यादा इस वोल्टेज में सकत नहीं है कि वो उसमें से करंट के इंक्रीमेंट को सपोर्ट कर सके। अब अगर हम उस आर एडजस्टेबल को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो लाइन इस तरफ को आ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमने आर की वैल्यू को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो इस तरफ को आ जाएगी। ये आर इस तरफ को ही क्यों जा रही है, क्योंकि IF की वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं होगी VT के बढ़ने से, ठीक हो गया। अगर आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो IF की वैल्यू ऑब्वियसली उस वोल्टेज पे, अगर आप V2 वाली जगह पे देखो तो ये जो R2 R3 की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, इस जगह पे जो IF की वैल्यू है वो ये बनती है। इसी तरह V2 पे अगर आप R2 पे देखो तो इसकी वैल्यू R2 की R3 से कम है, इसकी जगह पे IF की वैल्यू ये बनती है जो अब ज्यादा है लास्ट टाइम की नस्बत। इसी तरह इधर देखो तो ये उससे भी ज्यादा है, इधर देखो तो उससे भी ज्यादा है। तो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो लाइन है बेसिकली ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी। अब हमने R1 इसको इंक्रीज किया फील्ड रेजिस्टेंस को, तो R1 वाली जगह आ गई। इस जगह पे जो मैक्सिमम वोल्टेज अचीवेबल है वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कट कर रही है ये V1। अब अगर हम R2 पे ले आए, तो अगर हम यहाँ ले आए तो देखें तो यहाँ पे जो कटिंग है वो यहाँ तक तो ये बेसिकली ओवरलैप ही जा रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ तक वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है अगर आप IA की वैल्यू को आगे पीछे करो। क्यों? क्योंकि जो VT है और जो R2 है, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल इस पूरे थ्रू आउट दिस कंप्लीट लाइन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है। इसमें से अगर एक भी चीज़ की ज़रा सी फ्लक्चुएशन हुई तो वोल्टेज बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। अगर ये R थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज यहाँ पे पहुँच जाएगा, और अगर ये R डिक्रीज हुआ तो वोल्टेज यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस वजह से ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग की। अगर हम इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे ये R3 के अंदर है, तो इधर अगर आप देखो तो ये R3 कहाँ कट कर रही है इस EA वाले कर्व को, ये कट कर रही है बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ रेजिडुअल EMF था। इस जगह पे हो क्या रहा है, इस जगह पे हो ये रहा है कि बेसिकली हमने जो है मोटर को रोटेशन दी, ठीक है, रोटेशन देने से रेजिडुअल फ्लक्स था, इंड्यूस्ड EMF पैदा हुआ जो 1 या 2 वोल्ट्स था। अब वो 1 या 2 वोल्ट्स गए फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस और उसकी वजह से फील्ड वाइंडिंग में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना चाहिए था, लेकिन R3 के केस में ये हो गया है कि हमने R एडजस्टेबल यानी फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो 2 वोल्ट जो इसके अक्रॉस आए थे रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके उसमें से कोई करंट पास करवा सकते। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर ये जो वोल्टेज लेवल आया 2 वोल्ट जो EA का आया, रेजिडुअल का आया, वो इस काबिल ही नहीं था कि IF को पास करवा सके फील्ड वाइंडिंग में से। अगर वो इस काबिल ही नहीं था तो IF पास नहीं किया, और IF पास नहीं किया तो जो फ्लक्स था वो इंक्रीज नहीं हुआ। अगर फ्लक्स इंक्रीज नहीं हुआ तो EA फर्दर बढ़ा नहीं, EA फर्दर बढ़ा नहीं तो वो वाला सिचुएशन जो बिल्डअप वाला सारा स्टेप्स थे वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। वो 2 वोल्ट के 2 वोल्ट हमें बस टर्मिनल पे मिलते रहे और वोल्टेज उससे आगे नहीं बढ़ा। तो जो तीसरी वजह हो सकती है कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा जनरेटर के अंदर और हम बेशक मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, वो ये भी हो सकती है कि अगर वो दोनों वाले मसले नहीं है, हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट या 1 वोल्ट आ रहा है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहा, तो हमें क्या चीज़ देखने की ज़रूरत होगी उस वक्त, हमें उस वक्त ये देखने की ज़रूरत होगी कि फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस हमने रखी हुई है कहीं उसकी वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से वैल्यू उसकी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अब
जो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से पैदा होने वाला ईएमएफ है उसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि वो फील्ड वाइंडिंग में से करंट पास करवा सके तो वोल्टेज बिल्डअप हो सके। फिर हम इसका इलाज ये करेंगे कि हम उस आर एडजस्टेबल को कम करेंगे, आर की वैल्यू को नीचे लेके जाएंगे ताकि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम हो और उस 2 वोल्ट की वजह से आईएफ की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कोई ना कोई करंट जो है वो उसमें से फ्लो करे और वो रेजिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करे और वो रेजिडुअल फ्लक्स फिर इन टर्न ईए को इंक्रीज करे और फिर वो बिल्डअप वाली सिचुएशन हमारे पास बने। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली तीसरी रीजन है जो हो सकती है। तो एक रीजन हो गई हमारे पास कि हमारा जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो है ही नहीं, एक रीजन हो गई कि रेजिडुअल फ्लक्स है लेकिन उसके टर्मिनल्स उल्टे कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ये आई है कि जैसे ही हमने रोटेट करना स्टार्ट किया अपने जनरेटर के शाफ्ट को, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ अब वो उसकी पोलैरिटी उलट थी। उलट होने की वजह से जो आईएफ पैदा हुआ, जो आईएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ वो बजाय इसके कि रेजिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करता वो उसको अपोज करने लग गया। अपोज करने लग गया तो वो 0 वाले पॉइंट के ऊपर आ गया और उस जगह पे आके ईएमएफ भी नहीं रहा अब क्योंकि फ्लक्स ही 0 हो गया और उस जगह पे आके हमारा वोल्टेज बिल्डअप बिल्कुल ही 0 हो गया और वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ। तो पहले में हमने फ्लैश की, सेकंड में भी हमने कॉन्टैक्ट्स को वापस रिवर्स किया और उसको फ्लैश किया, और अगर हम रिवर्स नहीं करना चाहते तो हमें फिर रिवर्स तरीके से फ्लैश करना पड़ेगा अपनी फील्ड वाइंडिंग को ताकि हमारा जो नेक्स्ट टाइम जब हम उसे चलाएं तो जो आईएफ की वैल्यू है, जो आईएफ मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर रहा है वो बजाय इसके कि रेजिडुअल फ्लक्स को अपोज करे वो उस रेजिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करे और हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो सके। थर्ड चीज़ है वो ये है कि अगर ये दोनों मसले नहीं हैं और हमें कुछ वोल्टेज 1 या 2 या 3 वोल्ट्स जो है वो हमें टर्मिनल पे मिल रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहे, वो अपनी इंक्रीज हो के अपनी एक्चुअल वैल्यू तक नहीं जा रहे, तो फिर हमारे पास देखने की ज़रूरत ये है कि क्या हमारी फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो जो 2 या 3 वोल्ट्स हैं वो आईएफ को पास ही नहीं करवा पा रहे, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से फिर हम उसकी वैल्यू को कम करेंगे ताकि आईएफ फ्लो करे और हमारा वोल्टेज बिल्डअप जो है वो दोबारा से काम करना शुरू हो। तो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक में अगर आ जाए, इसमें ये कहता है कि सिंस द वोल्टेज मैग्नेटाइजेशन कर्व वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ शाफ्ट स्पीड, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस आल्सो वेरीज, स्पीड के साथ क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो भी वेरी करती है। तो जितनी स्पीड कम होगी क्रिटिकल रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। अब टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक अगर डीसी जनरेटर की देखें तो वो कहता है कि डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमाउंट ऑफ फील्ड करंट है मशीन के अंदर, इसके अंदर, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वोल्टेज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मशीन। लास्ट टाइम जो फील्ड करंट था वो उसको हमने एक सेपरेट सोर्स से पावर किया हुआ था। सेपरेट सोर्स से पावर करने का फायदा ये था कि फील्ड करंट में से गुजरने वाले करंट आईएफ की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है बेसिकली वो तो लोड पे डिपेंड करता है क्योंकि जैसे ही लोड इंक्रीज होगा आईए आरए लॉस बढ़ेगा और टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर वो टर्मिनल वोल्टेज ही कनेक्टेड है हमारी फील्ड वाइंडिंग से तो बेसिकली होगा क्या? होगा ये कि मैं आपको किस तरह से बताऊं, एक सेकेंड। तो होगा क्या कि जैसे ही आई एल की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो आई ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आई ए आर ए का लॉस बढ़ जाएगा, आई ए आर ए का लॉस बढ़ेगा तो जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है जिसकी वजह से आई एफ फ्लो कर रहा है वो बेसिकली वी टी है। अब वी टी की वैल्यू अगर गिरती है ड्यू टू इंक्रीज इन लोड तो क्या होगा? वैल्यू गिरेगी तो आईएफ की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अब पहले यहाँ अगर 200 वोल्ट आ रहे थे तो आईएफ 5 एम्पेयर था, तो अब अगर यहाँ 150 वोल्ट आने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली जो आईएफ है वो 4 हो जाएगा, और अगर आईएफ 4 होगा तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स ये फील्ड पैदा कर रही थी उस फ्लक्स की वैल्यू गिर गई। अब अगर उस फ्लक्स की वैल्यू गिर गई तो ई ए की वैल्यू भी गिर जाएगी, और अगर ई ए की वैल्यू गिरेगी तो वी टी की वैल्यू फर्दर गिर जाएगी। तो बेसिकली लास्ट टाइम में और इस वाले के टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक में जो मेजर डिफरेंस है हमारे पास वो यही है कि इसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग जो है वो डायरेक्टली वी टी के साथ लगी हुई है और वी टी जो है वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो ई ए अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी
इस केस में ई ए अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आई एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो हमारी वैल्यू थी, सॉरी वी टी की, टर्मिनल वोल्टेज की, वो डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि आई एल इंक्रीज होगा तो आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा तो आई ए आर ए क्या लॉस बढ़ेगा। तो ये तो हो गया वो वाली लाइन जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के केस में थी। लेकिन इसके केस में ये और ज़्यादा स्टूपिंग है, और ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये पार्ट आ गया है, ये पार्ट है फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट, जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के, सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के केस में नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि उस जगह पे हमारे पास जो फील्ड की आई एफ की जो वैल्यू थी वो कॉन्स्टेंट थी, वो नहीं बदल रही थी। लेकिन इस केस में हमारे पास आई ए के इंक्रीज होने से, आई आर ए के इंक्रीज होने से वी टी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, और वी टी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आई एफ की वैल्यू भी नीचे गिरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बजाय इसके कि ये सेपरेटली एक्साइटेड की बेसिकली लाइन थी, बजाय इसके कि वो उसको फॉलो करती, वो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गई है। उसकी जो स्टीपनेस है वो उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे है, और उसमें जो मेन किरदार है वो इस फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट का है। कि ये जो फ्लक्स वीकन हो रहा है, और ये फ्लक्स वीकन क्यों हो रहा है, ये फ्लक्स वीकन इस वजह से हो रहा है क्योंकि आई एफ की वैल्यू गिर रही है ड्यू टू डिक्रीज इन वी टी विद इंक्रीज इन लोड। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है हमारी शंट डीसी जनरेटर की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, कि इसकी जो वोल्टेज है वो विद इंक्रीज इन लोड जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है एज़ कम्पेयर टू सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसको अगर हम रेगुलेशन की फॉर्म में लें तो हम क्या कह सकते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डीसी शंट जनरेटर। क्योंकि शंट जनरेटर के केस में हमारा लोड बढ़ाने से जो वी टी की वैल्यू है वो नीचे गिर रही है। अभी ये वो जगह है जहाँ पे हमने आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड नहीं किया। अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें तो ये और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो आई होप इसकी तो समझ आ गई होगी। फिर आ जाता है वोल्टेज कंट्रोल फॉर डीसी शंट जनरेटर। तो वोल्टेज कंट्रोल डीसी शंट जनरेटर का बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेपरेटली एक्साइटेड के केस में था। दो ही तरीके हैं कि ई ए को हमने बढ़ाना है। ई ए को हम या तो स्पीड से बढ़ा सकते हैं, और मैंने आपको कहा था कि जो स्पीड है उसके ऊपर हमारे पास हमेशा लिमिट होती है, हमें खास स्पीड से ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये तो बहुत कम यूज़ होता है। और सेकेंडली कि फील्ड रजिस्टर जो है जनरेटर का, उसको हम छेड़े। आर एडजस्टेबल की वैल्यू को अगर हम कम कर देंगे तो आई एफ इंक्रीज हो जाएगा, आई एफ इंक्रीज होगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ई ए बढ़ जाएगा, और वंस द वैल्यू ऑफ ई ए इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली वी टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारा जो वोल्टेज कंट्रोल है बेसिकली डीसी शंट जनरेटर का, उसका जो प्रिंसिपल मेथड है वो हमेशा यही है कि हम फील्ड रेजिस्टर को चेंज करें। फील्ड रेजिस्टर इज डिक्रीज, द फील्ड करंट इंक्रीजेज, व्हेन आईएफ डिक्रीजेज फ्लक्स इंक्रीजेज व्हिच कॉजेज द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज टू राइज, और एन इंक्रीज इन ई ए कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर टू इंक्रीज एज वेल। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ शंट डीसी जनरेटर्स की तरफ। इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी मसला अगर पेश हो तो यू आर वेलकम टू पुट योर क्यूरीज इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। वी विल टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ शंट डीसी जनरेटर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज इट्स लेंथी एंड दिस विल मेक दिस लेक्चर रियली लेंथी फॉर यू टू हैंडल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll talk about